नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगेन आपके लिए आज लेके आया हूँ एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी, जिसको देख के जिसको सुन के आपको लगेगा कि शायद ज़िंदगी में बीते हुए बैड एक्सपीरियंस के अंदर घुस के रहना और स्टक होके रहना आपकी ज़िंदगी को उतना ही बर्बाद कर देगा जितना एक कीड़ा अनाज को खाकर कर देता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक बार एक आदमी एक हाथी के अस्तबल को क्रॉस कर रहा था और उस हाथी के अस्तबल को क्रॉस करते करते उसने देखा कि वहाँ पर उसने कई हाथी बंधे हुए देखे। जो हाथी बंधे हुए थे एक सिर्फ रस्सी से, जी हाँ एक रस्सी से, सिर्फ एक रस्सी से बंधे हुए थे। उसको देखकर वो चकरा गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा हाथी, इतना विशाल हाथी एक रस्सी से कैसे बंधा हो सकता है, उसको समझ नहीं आया। फिर उसने उस वहाँ हाथी के महावत से पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये हाथी कैसे बांध रखे हैं तुमने सिर्फ एक रस्सी से, समझ नहीं आया कुछ एक बार बताओ दोबारा जरा। तो उसको समझाया महावत ने, उसको समझाया कि ये हाथी जब बचपन से मेरे पास था, मैंने इसको एक रस्सी से बांध के रखा, तब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं हुआ करती थी कि ये इस रस्सी को तोड़ के बाहर कहीं भाग जाए। पर आज धीरे 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 इस हाथी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार कोशिश करी कि ये इस रस्सी को तोड़ पाए, लेकिन तब ये बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन ये इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। लेकिन आज उसी का फायदा उठाते हुए मैं इसको इस बड़ी छोटी सी रस्सी से इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर सकता हूं। समझ में आया कुछ? क्योंकि हाथी का बैड एक्सपीरियंसेस था, हाथी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, 10 बार, 10 बार फेल हुआ था सिर्फ उस रस्सी को तोड़ने की वजह से। तो अगली बार 11वीं बार उसके दिमाग में घुस गया कि अब कोशिश करना बेकार है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही जीनी है। लेकिन समझने की कोशिश करो दोस्तों, यही इस स्टोरी का मोरल है कि आप भी हाथी की तरह पुराने बैड एक्सपीरियंसेस के अंदर इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी को उससे बाहर लाने की कोशिश तक भी नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो रस्सी 10 बार नहीं टूटी तो 11 बार टूटेगी, नहीं। पेशेंस रखिए, समय रखिए, सही टाइम पे सही स्ट्राइक उतनी ही ज़रूरी है। लोहा सिर्फ गर्म होने पे ही मारने से टूटता है, ठंडे लोहे पे 1000 बार मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा। तो ये समझिए कि क्या पता जब आपने ट्राई किया था तब आप उतने सक्षम नहीं थे कि आप उसको मैच्योर कर पाते, लेकिन क्या पता आज 10 साल बाद आप सक्षम हो गए हो और आप ये ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है कि जब तब नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, बैड एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, उसमें फंसिए मत, जिंदगी को आगे बढ़िए, ताकत लगाइए। जय हिंद जय भारत।